तो यहाँ पर अगर आप नंगे पांव नहीं हो, ग्राउंडेड नहीं हो, तो जो नियॉन बल्ब है वो कम जलेगा, और जैसे दोस्तों आप ग्राउंडेड हो जाओगे वैसे नियॉन बल्ब बढ़िया जलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक BCD Tech को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD Tech और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हाय फ्रेंड्स, BCD Tech के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यह है एक लाइन टेस्टर, कई लोग दोस्तों इसको टेस्ट पेन भी बोलते हैं। ये कॉमनली 10, 20, 50, 100 रुपए तक का आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की क्वालिटी क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया है अराउंड 30 रुपए का या फिर आई थिंक 20 रुपए का ये टेस्टर। तो ये दोस्तों एक लाइन टेस्टर है, इसके थ्रू आप लाइन वोल्टेज को टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप जानना चाहते हो कि इन दोनों में से कौन से में लाइन आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इस टेस्टर को लगा दूँगा और जहाँ पर लाइन वोल्टेज आ रही होगी वहाँ पर इस टेस्टर का जो नियॉन बल्ब है वो जल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पर जो ये बल्ब है ये जल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो बल्ब है ये कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं अभी ग्राउंडेड नहीं हूँ। अगर मैं अपने पैर को ज़मीन पर टच करूँ, आप देख सकते हो ये जो बल्ब है ये ज़्यादा जलेगा, और अगर मैं उठा दूँ तो बल्ब कम जलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस टेस्टर को वर्क करने के लिए आपको ग्राउंड होना ज़रूरी होता है, और जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड होंगे उतना ही ज़्यादा दोस्तों ये जो बल्ब है ये जलेगा। तो मेंस में लाइन को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए किस वायर पर, किस पॉइंट पर लाइन आ रही है, मैं इस टेस्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। कुछ समय पहले मैंने इस टेस्टर को भी लिया था, ये डिजिटल टेस्टर है। अगर आप देखोगे तो मैं इसके थ्रू भी लाइन को मेज़र कर सकता हूँ। अभी दोस्तों थोड़ा सा ये जो टेस्टर है ये दिक्कत दिखा रहा है, काफ़ी समय से मैं इस टेस्टर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया टेस्टर आया है थपड़िया का। और अगर आप देखोगे तो इसका जो टिप है ये टूट गई है, और यहाँ पर मैंने हाई वोल्टेज पर इसको यूज़ किया था अराउंड 15,000 या फिर 20,000 वोल्ट पर, तो उस केस में ये जो टेस्टर है ये ख़राब हो गया था। बाकी दोस्तों काफ़ी समय से मैं इसी टेस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये टेस्टर दोस्तों एज़ कम्पेयर टू दिस प्लास्टिक टेस्टर ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं काफ़ी स्ट्रांगली अपने स्क्रूज को ड्राइव कर सकता हूँ। साथ ही में दोस्तों ये जो टेस्टर है ये मुझे वोल्टेज की रेंज भी बताता है, मतलब कि बताता है कि जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है या फिर 36 है, 55 है, 110 है या फिर 120 है। तो यहाँ पर ये मुझे वोल्टेज के बारे में बताता है। तो डेफिनेटली ये ज़्यादा बेटर टेस्टर है एज़ कम्पेयर टू दीज नियॉन बल्ब टेस्टर्स। यहाँ पर दोस्तों मेरा थपरिया ला ये जो टेस्टर है ये ख़राब हो गया था, तो मैंने दोस्तों थपरिया का एक टेस्टर फिर से मंगवा लिया है, बिल्कुल सेम वही टेस्टर है। और देखोगे ये कुछ इस टाइप की पैकिंग में आता है, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था थपरिया के टेस्टर को, काफ़ी बढ़िया टेस्टर है। तो मैंने दोस्तों उसको फिर से ले लिया है। ये जो टेस्टर है ये 12 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट AC DC दोनों को मेज़र करता है। यहाँ पर आप इंडक्शन टेस्ट पॉइंट की मेजरमेंट कर सकते हो, और यहाँ पर दोस्तों आप डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हो। इसमें एक LCD भी है, और ये दोस्तों कैसे वर्क करता है, क्या इसके फीचर्स हैं, आप सब कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हो। बॉक्स में MRP है 109 रुपीज़, बट ये आपको अराउंड 87-85 रुपीज़ का पड़ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसको कहाँ से मंगवाते हो। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको अनबॉक्स। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा जो मेन मोटिव है इसका अनबॉक्सिंग दिखाना नहीं है, बट आपको ये दिखाना है कि ये जो टेस्टर है ये काफ़ी पावरफुल है, ये काफ़ी बढ़िया है और डेफिनेटली लेने लायक है। और इसी पर्पस से मैंने दोस्तों इस टेस्टर को फिर से लिया है। देख सकते हो जो आज से कुछ समय पहले तक थपड़िया का आता था वो कुछ इस टाइप का था, और अभी दोस्तों आपको कुछ इस टाइप का मिल रहा है। तो यहाँ पर डिज़ाइन वही है, बस यहाँ पर कुछ नंबर्स को लिख दिया गया है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ वोल्टेजेस को, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं मेज़र कर सकता हूँ वोल्टेज को, 220 वोल्टेज है। इंडक्शन को चेक कर सकता हूँ, ब्रेकेज को टेस्ट कर सकता हूँ। तो काफ़ी बढ़िया टेस्टर है। और साथ ही में दोस्तों मैंने, क्योंकि मैं सर्च कर रहा था इस टेस्टर को, तो मुझे दोस्तों एक और बढ़िया टेस्टर मिला। यह है दोस्तों इनको का लाइन टेस्टर, ये कुछ इस टाइप की पैकिंग में आता है, देख लीजिए। ये दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है, मोटा है, डिज़ाइनर है, और साथ में दोस्तों महंगा भी है। तो कुछ इस टाइप का पैकेज है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनको टेस्ट पेंसिल, इसका डायमीटर लिखा हुआ है। ये दोस्तों 12 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट AC और DC में 1.5 से लेकर 36 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों इस टेस्टर को भी बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो टेस्टर है ये कुछ इस टाइप से दिखता है, देख लीजिए। लेआउट बिल्कुल वैसी है, मतलब कि जैसे कि हमें थपरिया में देखने को मिली थी वैसी ही है, बस यहाँ पर दोस्तों एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है, इसमें दोस्तों नियॉन बल्ब भी है। तो अगर आप नियॉन बल्ब के थ्रू टेस्टिंग करना चाहते हो तो वो भी दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हो, आप देख सकते हो।
अगर दोस्तों आप इस बटन पर टच करोगे तो आपको नियॉन बल्ब जलता हुआ दिखेगा। तो कई बार दोस्तों लोगों को लगता है कि वोल्टेज है बट जो LCD है वो नहीं दिखा रही है, तो ऐसे केस में आप जस्ट नियॉन बल्ब से भी टेस्ट कर सकते हो। जबकि दोस्तों अगर आपको वोल्टेज मेजर करनी है तो आपको इस बटन को प्रेस करना होगा और आपको वोल्टेज की जो रेंज है वो मिल जाएगी। ये टेस्टर अराउंड 250-300 रुपये तक का आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा महंगा है बट दोस्तों यहाँ पर डिज़ाइन में, लुक में ये काफ़ी बढ़िया है। बाकी दोस्तों मटेरियल क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर थपरिया का जो टेस्टर है इसकी क्वालिटी मैंने देखी है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्ट्रांग है। अब इसकी बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों एज़ कम्पेयर टू थपरिया ये थोड़ा सा स्ट्रांग लगता है, बट दोस्तों 300 रुपये में जो क्वालिटी दी है प्लास्टिक की वो दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ठीक नहीं लग रही है। थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों डिज़ाइन अच्छा हो सकता था। यहाँ पर फ्लॉ भी है, मतलब कि अगर आप दबाते हो तो लगता है कि ये जो टेस्ट का प्लास्टिक है ये दब रहा है, मूवमेंट हो रही है, तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम लगी है। बाकी टेस्टर दिखने में बिल्कुल बढ़िया है। और यहाँ पर दोस्तों मैं इस टेस्टर के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं स्क्रूज को भी ड्राइव कर सकता हूँ, तो ये दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी बात होती है, मतलब कि आपको टेस्ट पेन के साथ साथ स्क्रू ड्राइवर भी मिल रहा है। तो यहाँ पर आप इन टेस्टर्स को मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब कि अगर आपको बोर्ड ठीक करना है या फिर लाइन में वर्क करना है और आपको स्क्रूज़ को अनस्क्रूज या फिर स्क्रू डाउन करना है, तो ऐसे केस में आप इस टेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये दोस्तों आपका हाईली इंसुलेटेड होते हैं, मतलब कि करंट लगने का, शॉक लगने का या फिर लीकेज का कोई भी यहाँ पर चांस नहीं है। इवन दोस्तों ये आपको टेस्ट करके बताते भी हैं कि लाइन में लीकेज है कि नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लाइन लीकेज को भी मेज़र कर सकता हूँ, मतलब कि इंडक्शन को ये मेज़र करता है, तो यहाँ पर मैं उसको भी मेज़र कर सकता हूँ। बाकी लाइन के लिए इस टेस्टर में नियॉन बल्ब भी है, मतलब कि लाइट वाला बल्ब भी है, और साथ में आप वोल्टेज को भी मेज़र कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहे कुछ लाइन टेस्टर जो कि कॉमनली आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप दोस्तों यहाँ पर नियॉन बल्ब वाला भी ले सकते हो, आप दोस्तों यहाँ पर एक हाई एंड प्रोफेशनल भी ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर थपरिया का भी ले सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, रिक्वायरमेंट, चॉइस, आप इनमें से किसी को भी प्रेफर कर सकते हो। तो मैं दोस्तों अब इसी कंक्लूजन के साथ कि आजकल ज़माना बदल गया है, डिजिटल टेस्टर भी आपको मिल जाते हैं, और डेफिनेटली अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको इनको ट्राई करना चाहिए। मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी जान पाएं कि इस टाइप के डिजिटल टेस्टर आते हैं और अगर उनको लेना है तो वो खरीद पाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।